Assalamualaikum, बारी रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवान। और इस वक्त हम जो इसका ब्लैकबेरी का पिकिंग का फेस्टिवल है उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई है, बड़ी अच्छी ब्लैकबेरी जो है वो पकी हुई तैयार पड़ी है। माशाल्लाह सब लोग इधर आए हुए हैं और इसको प्लग कर रहे हैं, और ये सबको जो है ना वो एक अदद लफाफा सा देते हैं और उसके बाद अगर लफाफा पकड़े और अपने लिए जो है उसमें बेरी भर लें। तो ये देखें बेरी की रौनकें। और ये अच्छा साइजेबल फल है जैसा कि आपको बाहर मिलता है, थोड़ा सा टेस्ट में सावर है, खट्टा है, मगर ये है कि ये फल जो इस वक्त आप समझें 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ हुआ है, तो ये कभी भी आपको आपके टेस्ट बड्स को इतना अच्छा फील नहीं करेगा, मगर ये है कि ये फल अच्छा है। मुझे नहीं पता कि इसमें इन्होंने फर्टिलाइज़र कितना डाला हुआ है। माशाल्लाह ये लोडेड है माशाल्लाह फल से। बच्चे बड़े सब लोग इधर हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये अगर आप देखें तो मैं आपको एक छोटा प्लांट भी दिखाऊं कि ये इस तरह थोड़ा कांटेदार पौधा है। ये वाला मेरे ख़्याल में इसमें कांटा नहीं है, जो मुझे यहाँ किसी ने बताया कि जी कांटे वाला पौधा जो है वो मीठा ज़्यादा है और बग़ैर कांटे वाला जो है वो इतना अच्छा नहीं है। सो माशाल्लाह इससे ये पता लगता है कि पोटवार के लिए बेरी जो है वो एक अच्छी क्रॉप है, और सिर्फ ये है कि लोगों का ज़रा थोड़ा सा इसका टेस्ट डेवलप हो जाए, और मार्केट से अगर रिटर्न नहीं आएगी तो फिर डेफिनेटली फार्मर जो है वो इतना खुश नहीं होगा। बट ये है कि एक ज़बरदस्त क्रॉप है जो कि बारी वालों ने इंट्रोड्यूस कराई है, और उसके लिए उनको शाबाश। और ये क्रॉप जो है ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में अपनी जगह बनाएगी, मेरी उम्मीद है। तो मैं ख़ुद भी अभी यूएस से जब आया हूँ तो मैं ख़ुद भी 4 किस्म के डिफरेंट बेरीज़ भी लेके आया हूँ, प्लांट्स लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने सीड से ट्राई की तो मुझे कोई इतनी सक्सेस नहीं हुई, तो इस पर प्लांट्स लेके आया हूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह बाहर के फ्रूट्स हमारे बनेंगे बहुत जल्दी। सो चलें, इन्जॉय योर डे, थैंक यू।